हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन बताने वाली हूँ, डिफरेंस बताने वाली हूँ जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड जस्टिस के बीच में। बेसिकली जजेस कौन होते हैं, मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं और जस्टिस हम किन्हें कहते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगी। सो प्लीज बिना स्किप करे लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहना। देखो, जजेस और मैजिस्ट्रेट और जस्टिस की कौन होते हैं, उससे पहले हमें हमारे कोर्ट्स की हायरार्की के बारे में पता लगाना होगा कि हमारे कोर्ट्स की हायरार्की क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए एक पूरा रेडी किया है जिससे कि आप इजीली समझ सकें। देखिए, बेसिकली आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जस्टिस, जजेस, मैजिस्ट्रेट के बारे में। तो पहले हम ये जानेंगे कि कोर्ट्स की हायरार्की क्या होती है। अब देखो, कोर्ट्स की हायरार्की में फर्स्ट नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट, सेकेंडली हाई कोर्ट एंड थर्ड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स। देखो, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, हमारे पूरे इंडिया का एक जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में, पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी गली मोहल्ले के जितने भी केसेस हैं, क्या एक लौता सुप्रीम कोर्ट उसे संभाल सकता है? तो आंसर है नो, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक अकेला सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस इंडिया के नहीं संभाल सकता है, इसलिए उसके लिए बनाया गया हाई कोर्ट। इस काम को डिवाइड करने के लिए, प्रेशर को डिवाइड करने के लिए और काम इजिली फास्टली हो सके, हमारे लिए बनाया गया है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद नेक्स्ट जो हायरार्की में लिस्ट है वो है हाई कोर्ट की। अब बेसिकली हाई कोर्ट क्या होता है, हर स्टेट के अंदर एक कोर्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट। वो पर्टिकुलरली उस स्टेट का हाई कोर्ट होता है, चाहे वो दिल्ली हो या कोई और स्टेट हो, हर स्टेट का अपना खुद का एक हाई कोर्ट है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन सेम वही है, क्या एक अकेला हाई कोर्ट पूरे स्टेट के सारे जितने भी केसेस होते हैं, क्रिमिनल हो या फिर वो सिविल हो, क्या एक अकेला हाई कोर्ट संभाल सकता है उन सारे केसेस को? तो आंसर अगेन वही है, नो, बिल्कुल भी नहीं। एक अकेला हाई कोर्ट कभी भी सारे पूरे स्टेट के अपने केसेस को नहीं संभाल सकता। एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, नहीं संभाल सकता एक अकेला हाई कोर्ट सारे केसेस को। इसलिए उसके बाद जो हमारी हायरार्की में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आगे हमेशा सेशन कोर्ट जरूर लगता है। कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सिंगल नहीं प्रोनाउंस किया जाता, नहीं बुलाया जाता। जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात होगी तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट की ही बात होगी। वो कैसे, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसलिए होता है ताकि हर स्टेट के अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उन केसेस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सॉल्व किया जाए। जैसे कि एक स्टेट है बट उसके अंदर, सपोज दैट दिल्ली के अंदर ही कड़कड़डूमा भी है, 30,000 भी है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेड हैं ये सारे कोर्ट्स। सारे डिस्ट्रिक्ट केसेस एंड सेशन कोर्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस को संभालते हैं। अगर कोई केस ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में नहीं संभल पाया है, किसी जजमेंट से कोई सेटिस्फाइड नहीं हो पाया कोई क्लाइंट, तो फिर वो केसेस ऐसे होते हैं जिनकी अपील करी जाती है हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट का भी डिसीजन हमें सेटिस्फाइड नहीं करता, देन वो अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। चलो, ये तो बात की बात है, मैं कभी कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ये बताने के लिए। नेक्स्टली अगर हम बात करें जो हमारा मेन टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन जजेस, मजिस्ट्रेट एंड जस्टिस। देखो, जस्टिस का मैं आपको स्टार्टिंग में अभी बता देती हूँ। जस्टिस हम बुलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कभी भी एज अ मैजिस्ट्रेट या जजेस प्रोनाउंस नहीं किए जाते, उन्हें हमेशा जस्टिस ही बुलाया जाता है, क्योंकि उनकी पावर कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस से काफी ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें जस्टिस कहकर हम बुलाते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं, जजेस और मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, इनमें डिफरेंस क्या है आपको ये जानना पड़ेगा। सबसे पहले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे के सारे सिविल केसेस देखे जाते हैं। एक तरीके से हम इसे सिविल कोर्ट कह सकते हैं, ये सिविल कोर्ट होता है। इसके अंदर सारे के सारे सिविल केसेस ही देखे जाते हैं, हैंडल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेक बाउंस का केस हो गया, या फिर किसी की प्रॉपर्टी का हो गया, किसी की जमीन हड़पने का हो गया, व्हाटएवर, इस काइंड के जितने भी केसेस होते हैं वो सारे सिविल केसेस कहे जाते हैं, और वो सिविल कोर्ट में ही हैंडल किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बैठा जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे के सारे सिविल केसेस को ही हैंडल करता है, वो किसी भी टाइप के कभी भी क्रिमिनल केस को हैंडल नहीं करता है। अब बात आती है क्रिमिनल केस के लिए फिर कौन है, तो क्रिमिनल केस के लिए हमारे होता है सेशन कोर्ट्स। जो ये सेशन कोर्ट्स के जजेस होते हैं, या मजिस्ट्रेट हम कहेंगे, सेशन कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो हमारे क्रिमिनल केसेस को देखते हैं। सेशन कोर्ट के अंदर सारी की सारी जो हियरिंग्स होती हैं वो कभी भी सिविल केसेस के बारे में नहीं होती हैं। छोटे मोटे
सपोज दैट जमीन हड़प ली या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में, चेक बाउंस के बारे में, ऐसे केसेस कभी भी सेशन कोर्ट्स में नहीं देखे जाते. सेशन कोर्ट में हमेशा क्रिमिनल केसेस ही देखे जाते हैं, इसे क्रिमिनल कोर्ट भी हम कह सकते हैं. अब देखो, जज यानी कि जज कौन कहलाता है या फिर मजिस्ट्रेट कौन कहलाता है, इसके बारे में अगर हम बात करें. सो फॉर एग्जाम्पल, आप लॉ कर रहे हैं, लॉ करने के बाद आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया, आप एडवोकेट बन चुके हैं, आप एडवोकेसी कर रहे हैं काफी टाइम से, एंड कुछ टाइम बाद आप एडवोकेसी से बहुत ज्यादा थक गए, बोर हो गए, या फिर आपका इंटरेस्ट ही जज बनने में है, मजिस्ट्रेट बनने में, इस चीज में. तो आपने अपने स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम दिया. अब जब आपने स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम दिया तो उसके बाद आप क्या बनेंगे, अब आप बनेंगे अपने स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम देने के बाद जज के लिए आपने मतलब इनरोल किया, तो आप एंट्री लेवल जज बनेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एंट्री लेवल जज बनेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल जज, फॉर एग्जांपल जैसे कि सिविल जज है, आप सिविल जज बन गए. अब जब आप एंट्री लेवल जज बन चुके हैं तो आप ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आप डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे, नहीं. जैसे कि किसी भी कंपनी में अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर को ही ले लो, अगर आप जॉब करते हो तो आपका एक ना एक कुछ चीज़ें होती, सिस्टमैटिकली सब कुछ चलता है, हायरार्की के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको प्रमोशंस मिलते हैं. सेम एज इट इज वैसा ही इसके अंदर होता है. जब आप एक एंट्री लेवल जज बन जाते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, देन उसके बाद आपकी एक हायरार्की चलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिविल जज के लिए इनके एक एंट्री लेवल जज बने, ओके. देन उसके बाद आप सिविल जज सेकेंड एंट्री लेवल जज बनने के बाद आपकी एक प्रमोशन क्राइटेरिया चलेगा, उसमें आप सिविल जज सेकंड बनेंगे, देन उसके बाद आप सिविल जज फर्स्ट बनेंगे, सिविल जज फर्स्ट बनने के बाद आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, देन आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के बाद एडिशनल जज बनेंगे, उसके बाद आप मेनली डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे. उससे पहले आपके पास वो पावर्स नहीं होंगे जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती हैं. यानी कि जज बनने की जो ये प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, इतना इजीली नहीं होता इस पोस्ट को पाना. डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए भी आपको काफ़ी सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफ़ी सारी प्रमोशंस एंड काफ़ी सारे स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है. अब ऐसे ही बात करते हैं सेम एज इट इज क्रिमिनल कोर्ट्स की, तो इसमें भी ऐसे ही होता है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड फर्स्ट देन चीफ जुडिशियल देन असिस्टेंट सेशन देन एडिशनल सेशन देन सेशन जज, इन सारी चीज़ों के बाद आप एक सेशन जज बनते हैं. अब देखो, अब क्या आपको क्या लगता है कि मतलब इसका जो जज है डिस्ट्रिक्ट जज वो अलग है और इसके जो सेशन जज हैं वो अलग हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कोई भी पर्सन है, सपोज दैट आप ही हैं, आपने एंट्री लेवल जज बने, उसके बाद आपने सारे फेसेस क्रॉस करे वन बाय वन, देन आप बन गए डिस्ट्रिक्ट जज, ओके. अब आप जज बन चुके हैं, अब क्या होगा, अगर कभी भी कोई सेशन कोर्ट का कोई क्रिमिनल कुछ केस आता है तो आप सेशन कोर्ट के अंदर जाकर उस क्रिमिनल केस को भी सुनेंगे, उसकी हियरिंग लेंगे. जिस टाइम आप क्रिमिनल केस को सुन रहे होंगे सेशन कोर्ट के अंदर बैठकर, उस टाइम आप जज नहीं कहलाएंगे, उस टाइम आप डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कहलाएंगे, उस टाइम आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, यानी कि सेशन जज. उस टाइम आप सेशन जज कहलाएंगे, ओके, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कहलाएंगे. बट अगर उसी टाइम पे आपका, आप मान लीजिए नेक्स्ट डे आप किसी सिविल केस को सुन रहे हैं, सिविल केस की हियरिंग चल रही है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हुए हैं, देन आप एक डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे. उस पॉइंट पर आप एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ना कि एक सेशन जज हैं. आपको समझ आ रहा है, मतलब पर्सन एक ही है लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठकर सिविल केस सुन रहा है देन वो डिस्ट्रिक्ट जज कहला रहा है, और अगर वही जज किसी सेशन कोर्ट में बैठकर क्रिमिनल केस सुन रहा है देन वो एक सेशन जज कहला रहा है. यानी कि सारी जो बातें हैं वो कोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोर्ट टू कोर्ट चेंज होती रहती हैं. अब इसमें भी एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, सपोज दैट एक सिविल जज सेकंड है, ओके. अब ये सिविल जज सेकंड है और यहाँ पर एक एडिशनल सेशन है, एडिशनल सेशन जज है, तो ये जो सिविल जज सेकंड है ना और ये जो एडिशनल सेशन जज है, इन दोनों की पावर में बहुत फर्क होगा. ये एडिशनल सेशन जज इस सिविल जज सेकंड से ज़्यादा पावर रखता होगा. जैसे कि सेम एज इट इज, सपोज दैट एक एडिशनल जज है इसका, ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई एडिशनल जज के एक फेस पे चल रहा है, और वहीं पर दूसरी तरफ कोई एकदम एंट्री लेवल जज है, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर एंट्री लेवल जज है, उसने अभी एंट्री करी ही करी है, तो यहाँ पर इस एडिशनल जज की पावर इस एंट्री लेवल जज से ज़्यादा होगी, ना कि इसकी पावर इससे ज़्यादा होगी, ना कि क्रिमिनल जो एंट्री लेवल जज है उसकी पावर इससे ज़्यादा होगी. सो ये सारी चीज़ें समझने की हैं. जैसे कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वहाँ की वन बाय वन आपकी एक स्टेप होते हैं जिन्हें आपको क्रॉस करना होता है, आपकी प्रमोशंस होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर फ्रेशर आ रहा है वो फ्रेशर आते ही एकदम आपकी जितनी पावर ले लेगा, आपकी जितनी जान पहचान बना लेगा, ऐसा तो नहीं होता ना. आपकी जान पहचान, आपकी जो पावर होती है, जो आपका रुतबा होता है उस ऑफिस में, वो अलग होता है इस प्रेशर के
अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें, सेम एज इट इज़ इसमें ही होता है। अगर यहाँ पर कोई एडिशनल जज है और यहाँ पर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो बेशक ये सेशन कोर्ट के ही फेसेस को क्रॉस क्यों ना कर रहा हो, बट अभी इसका एंट्री लेवल है और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये एडिशनल जज है, इसकी पावर इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर बात है कि आप प्रमोशन टू प्रमोशन होती है, उसके बाद आप एक फाइनल नतीजे पे पहुँचते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज या फिर सेशन जज। बट एक ही पर्सन है जो कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा है, सिविल केसेस की हियरिंग हो रही है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, और अगर वही पर्सन क्रिमिनल केसेस की हियरिंग ले रहा है सेशन कोर्ट के अंदर बैठ के, देन वो सेशन जज कहलाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक। अगर किसी भी तरीके की थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, हो सकता है मैंने ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अच्छे से ना समझा पाई हूँ, एज अ ह्यूमन बींग हूँ तो इंसान ही। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज कर दो, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में आओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि कहाँ पर इशू रहा, क्या आपको नहीं समझ आया, किस चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं हो पाई। मैं आपको 101% श्योरिटी देती हूँ कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी एंड आपको वो पॉइंट क्लियर करूंगी। थैंक यू।